नमस्ते फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आटे का टिक्की। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कितनी अच्छी तरह से अंदर तक पूरा फ्राई हो गया है। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी है। यहाँ पर मुझे चाहिए 2 बाउल सूजी, लेकिन मैंने यहाँ पर 1 ही कटोरी लिया है, बाद में और 1 कटोरी लूँगी। उबला हुआ और मैश किया हुआ 2-3-4 आलू, कद्दू ग्रेट किया हुआ, लौकी ग्रेट किया हुआ, गाजर, राया का साग उसे मैंने बारीक काट लिया, हरा धनिया, 2 हरा मिर्च उसे भी मैंने बारीक काट लिया। एक बर्तन पर मैं 2 कटोरी आटा डालूंगी। मैश किया हुआ आलू, दो स्पून ऑयल, 3 स्पून से थोड़ा कम बेकिंग सोडा और थोड़ा नमक, इसे मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। अब मैं यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी लिया है, उसे मैं थोड़ा थोड़ा डाल के गून लूँगी। इसे मैं अच्छी तरह से गून के सॉफ्ट डो बना लूँगी। देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितनी अच्छी तरह से मैंने सॉफ्ट डो बना लिया। इतना ही पानी रह गया, अब मैं इसे आधे घंटे के लिए ढककर रख दूंगी। आधा घंटा हो गया फ्रेंड्स, अब मैं इसे थोड़ा ऑयल लगाऊंगी और हाथ पर भी ऑयल लगा के इसे अच्छी तरह से गून लूंगी और इससे और सॉफ्ट और मुलायम डो बनाऊंगी। इसका 2 बोल बनाऊंगी। अब मैं स्टफिंग बनाऊंगी, लौकी, गाजर, राय का साग, धनिया, हरा मिर्च, नमक स्वाद अनुसार। इसे मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। आपको जो सब्ज़ी पसंद हो उसे भी बना सकते हैं। अब मैं हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी और चकले पर भी अच्छी तरह से इसे लगा लूँगी ताकि वो हमारा डो ना चिपके, और बेलन पर भी लगा लिया। अब मैं इसे आयत शेप पर बेल लूँगी। मैंने इस शेप में बेल लिया। अब मैं सब्जियों का स्टफिंग इस पर अच्छी तरह से फैला दूंगी। फैला देने के बाद इसे मैं अच्छी तरह से प्रेस कर लूंगी। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसे ही तरह आप लोग भी प्रेस करिएगा। अब मैं इसका रोल बनाऊंगी। अच्छी तरह से इसे दबा दबा कर रोल बनाऊंगी। ऐसे ही दबाना चाहिए ताकि वो हमारा सब्जी बाहर ना आए। अब मैं इस चाकू पर ऑयल लगा लिया। अब मैं इसको पीस में काट लूँगी।
अब मैं हाथ के बीच में रखकर इसको ऐसे तरह दबा दूंगी, टिक्की के शेप में बना लूंगी। इसी तरह मैं सारे पीस को टिक्की शेप में बना लूंगी। मैंने इसी तरह सारे टिक्की बना लिया। गैस ऑन करके मैं यहाँ कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया। कढ़ाई गर्म हो गया, इस पर मैं 4 स्पून तेल डाल दिया। तेल गर्म हो गया, इस पर मैं टिक्की को डाल दूंगी। टिक्की को फ्राई करने के लिए लो फ्लेम पर होना चाहिए, अगर हाई फ्लेम पर होगा तो वो जल जाएगा, अंदर तक वो नहीं फ्राई होगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये इतनी अच्छी तरह से फ्राई हो गया। फ्राई होने के एक तरफ फ्राई होने के लिए मुझे 3 मिनट लग गया। अब इसे मैं दूसरी तरफ पलट दूंगी। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कितनी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया। इसी तरह मैं दूसरे साइड भी 2-3 मिनट पकाऊंगी। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये इतनी अच्छी तरह से हमारा ये टिक्की बनके तैयार हो गया। अब मैं इसे निकाल रही हूँ। इसी तरह मैं सारे टिक्की को बना लूँगी। मेरा भेज रोल टिक्की बनके तैयार हो गया। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखने में भी कितना सुंदर और अच्छा लग रहा है। इस टिक्के को आप लोग नाश्ते और डिनर पर भी खा सकते हैं। इसे ग्रेवी के साथ भी खाया जा सकता है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कितनी अच्छी तरह से अंदर तक पूरा फ्राई हो गया। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी है। मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।